रंग बिरंगे अनोखे कांवड़ नजर आ रहे हैं। शिव भक्त अनोखी कांवड़ों संग यात्रा पर निकले हैं। इसी कड़ी में एक अनोखी कांवड़ मुंगेर पहुंची है जो 51 फीट की है। और खास बात यह है कि इस कांवड़ को 12 ज्योतिर्लिंगों से सजाया गया है। जी हां, और ज्योतिर्लिंग के मस्तक पर तिरंगा पगड़ी सुशोभित की गई है। देवभूमि हरिद्वार में एशिया का सबसे बड़ा कांवड़ मेला शुरू हो चुका है और 3 दिन में करीब 12 लाख से अधिक कांवड़िए यहां से गंगा जल लेकर रवाना भी हो चुके हैं। सावन शुरू होते ही शिव भक्तों का हरिद्वार से गंगा जल लेने आने का सिलसिला शुरू हो गया था। अब यहां से जल भरकर ये शिव भक्त भोले अपने धामों की ओर जा रहे हैं, जहां वो गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। सावन में कांवड़ यात्रा में अनोखी कांवड़ नजर आ रही है। शिव भक्त रंग बिरंगी कांवड़ लेकर निकल पड़े हैं। अब इस 51 फीट की कांवड़ को देखिए। इसे देखने असरगंज कांवड़िया पथ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। इस कांवड़ की खास बात यह है कि इसे 12 ज्योतिर्लिंगों से सजाया गया है। ज्योतिर्लिंग के मस्तक पर तिरंगा पगड़ी सुशोभित की गई है, जो आकर्षण का केंद्र बन गई है। इस अनोखी कांवड़ को दुनिया भर में प्रसिद्ध श्रावणी मेले के लिए एमपी के कटनी से 100 शिव भक्त लेकर चले हैं। शिव भक्तों का ये जत्था भजन कीर्तन करते हुए कांवड़ लेकर निकला है। यह शिव भक्त पिछले 20 साल से ऐसी ही अनोखी कांवड़ लेकर सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं और बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। माँ जलपा 64 युगनी शिव शक्ति संघ नाम के शिव भक्तों के इस समूह से एक शिव भक्त ने बताया कि इस अनोखी कांवड़ को बनाने में 1 महीने का वक्त लगा और इसे बनाने में कुल 30,000 रूपए का खर्च लगा। कांवड़ियों के इस समूह का कहना है कि वो अपनी कांवड़ यात्रा के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा, शांति और अमन चैन का संदेश देंगे। बोलबम के जयकारे के साथ ये सभी बाबा बैद्यनाथ के धाम की ओर बढ़ रहे हैं। देवभूमि हरिद्वार में एशिया का सबसे बड़ा कांवड़ मेला शुरू हो चुका है और 3 दिनों में करीब 12 लाख से अधिक कांवड़िए यहां से गंगा जल लेकर रवाना हो चुके हैं। सावन शुरू होते ही शिव भक्तों का हरिद्वार से गंगा जल ले आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब यहां से जल भरकर ये शिव भक्त भोले अपने अपने धामों की ओर जा रहे हैं, जहां वो गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। शिव भक्त उत्साह से लबरेज हैं। उनका उत्साह, उनकी उमंग, उनकी श्रद्धा देखते ही बनती है। ये शिव भक्त शिवरात्रि तक इसी अवस्था में होंगे, जब तक वो अपने भोलेनाथ को अपने गंतव्य पहुंचकर जल नहीं चढ़ा देते। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, मुंगेर से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।